फर्स्ट डिसीजन है ना तो आप लोग कैसे सुरक्षित वापस जाएंगे, आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी जो छोटी छोटी बातें जो दीदी लोग बताए हमको, साफ सफाई नहीं करना, हमको काम नहीं करना, किसी घर में हमको ड्यूटी करना है। देखो जिसका इच्छा होगा वो करो भाई, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस नहीं बोलता, पुलिस विभाग नहीं बोलता कि ये सब काम कराया जाए, है ना। तो नियम के विरुद्ध तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि तुम ये काम करो, लेकिन अगर आप लोगों को जैसे जमे, और जो नहीं करना चाहता उससे नहीं करवाना, एकदम साफ सुथरा बात करेंगे हम लोग, ठीक है सर। और सिपाही और सहायक आरक्षक में कोई भेद नहीं होता। मेरे साथ मेरे सहायक आरक्षक लोग धमतरी जिला में मेरे थाली में खाना खाते थे, और मैं उनके घर में जाकर खाना खाता हूँ, ठीक है ना सर। तो मैं तो भेदभाव नहीं करता भाई, और अगर मैं भेदभाव करता तो सिर्फ सिपाहियों के लिए लड़ता ना, आप लोग के लिए क्यों लड़ता। और आप लोग एकदम क्लियर बता देना कोई भेदभाव करता होगा तो, देख ले भाई तू भी सिपाही है मैं भी सिपाही हूँ, है ना। दिमाग खोल के बात कर बोलना, अगर कोई ऐसा करता है तो, है ना। अगर आपका प्रभारी छुट्टी नहीं देता है तो देख लिए हो ना सर, बता देना आज का दिन और पिछला दो दिन जो आप लोगों के साथ हुआ है, जिससे पूरा देश परेशान है, है ना, पूरा देश परेशान आप लोग के हटने से, दोबारा देश को परेशान, राज्य को परेशान, अपने गांव वालों को, अपने शहर को परेशान करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और आप लोग की एकजुटता, आप लोग की एकता सरकार देख ली है, तो आप लोग का काम भी सरकार करेगी, उनके प्रतिनिधि मंडल करेंगे, और हम लोग तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे बिना तो हम जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं होंगी मैं हम तो मानेंगे नहीं, है ना। भैया लोग हैं, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, चेहरा मेरा हो सकता है, है ना, मेरे से ज्यादा जानकार लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमारे बीच में, और अच्छा होगा मतलब होगा, नहीं होगा तो करवा के लेंगे, तो कुल मिला के अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। किसी के बहकावे, किसी के इसमें नहीं आना है, हम लोग पूरा पुलिस परिवार है, चाहे हमारा अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी हो। देखो गलतफहमी घर में होती है, कभी पिताजी किसी बच्चे को डांट देता है, कभी बच्चे लोग पिताजी से लड़ लेते हैं कि आपको नहीं पता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो क्या घर में फिर मारा पीटी चालू हो जाता है क्या? नहीं, नहीं होता ना नहीं। वैसे ही विभाग भी एक परिवार है हमारा, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है उसको हमको भी बर्दाश्त करना है, और जो ज्यादा गलत होता है उसका विरोध करना है, ठीक है ना। समस्याएं इतनी है कि खत्म नहीं होती, लेकिन इस बार जो बड़ी बड़ी समस्या है वो खत्म होगी मतलब होगी, ठीक है। आप लोगों की जो मेन मेन समस्या है वो तो मैं समझ गया, और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं सर। और कुछ छूट रहा है? एक चीज, एक भैया बताएंगे। हाँ, मैं ये जो मतलब जो 7 दिन का पीरियड देते इसमें विधानसभा चलते तो सरकारी काम थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो उसमें कमेटी नहीं हुआ तो उग्र होने का जरूरत नहीं है, और उसके 7 दिन वाले में जरूर होगा इस चीज को। ये चीज आप लोग समझ लो कि जो 7 दिन बोले है ना, तो आप लोग 7 दिन बैठेंगे, 7 दिन में हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। 7 दिन में पहला बैठक होगा, मतलब पहले बैठक में हमारे क्या क्या कागज दिए वो लोग भी देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर जल्दी जल्दी उस पर कार्रवाई करेंगे। 1 महीने के अंदर उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट बताना पड़ेगा कि हम इतना काम किए हैं। अगर 1 महीने में कोई काम नहीं होगा तो हम तो तैयार हैं, हम तो बोल के आए रायपुर से कि अगर नहीं होगा तो हम पूरे रायपुर में मिलेंगे। फिर सिर्फ सहायक आरक्षक परिवार नहीं रहेगा, नगर सेना वाले भाई लोग भी बोल रहे ना पेटी जमा कर देंगे, वो लोग भी आपके साथ है कि नहीं है, जेल प्रहरी लोग हैं कि नहीं है, है? जिला बल वाले सिपाही साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे? सशस्त्र बल वाले भी रहेंगे ना, तो ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे क्या ये चीज को? तो इसीलिए आपका काम जल्दी जल्दी बढ़ेगा। और आखिरी में फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस में समय लगेगा, लेकिन इतना लंबा समय नहीं लगेगा कि 10 साल चले जाए, क्योंकि 2 साल में चुनाव है, 2 ही साल बचे, साल भर के अंदर एक ठोक बजट सत्र और आना है, 3 महीने तो नहीं नहीं 1-3 महीने में, उसके बाद 1 साल और 3 महीने, मतलब टोटल 15 महीना ही है बस, है ना। कितना भी ये लोग खींचेंगे ना तो उससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे आप लोगों का संविलियन और ये सब का काम को, है ना। तो 15 साल से जो सह रहे हैं तो 15 महीना सह लोगे तो कोई बिगड़ जाएगा क्या यार? सहना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी, ठीक है। देखिए 15 महीना नहीं लगेगा, एक्चुअली सारी चीजें प्रोसेस हो चुका है लगभग लगभग, ठीक है।
कुछ उम्र का पेंच फंसेगा उसके लिए शायद एक डेढ़ महीना लग जाए बस, बाकी कुछ भी नहीं। कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, 40 के ऊपर कितने हैं? कितने? बहुत आधे ज्यादा निकल रहे हैं, आदेश ज्यादा ना जी। तो बस इसी डिमांड को हम पहले उसमें रख देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जल्दी हो जाए। संविलियन हो जाओगे तो सारी चीजें अपने आप मिलने लगेंगी, इस चीज को याद रखना जी। सर, जी। पहला मांग संविलियन होना चाहिए, और इस चीज को मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर पुलिस विभाग में कोई चीज होगी तो सबसे पहले आप लोग का संविलियन, नहीं तो कुछ नहीं। उसके बाद ही फिर दूसरी चीजों में हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना सर। तो एकदम निश्चिंत हो जाओ, बढ़िया खाना बनाया, खाना खाओगे आप लोग। जब वहां मैं रायपुर में बैठ के यहाँ बोला खाना बन गया ना सर। तो यहाँ खड़े होके बोल रहा हूँ आप सबके सामने, वहां से अकेले बोला था मैं कि खाना बनना चाहिए, वहां इनको सुविधा मिलनी चाहिए, आप लोग नहीं गए अलग बात है ना। तो यहाँ आप लोगों के बीच में खड़े होकर बोल रहा हूँ मैं कि अगर नहीं होगा तो फिर रायपुर समझे, है ना, फिर रायपुर क्या होगा और रायपुर में क्या क्या होगा वो हमारा रायपुर समझे फिर। तो यहां से जब मैं बोल रहा हूं ना तो 100% आप लोगों का काम होगा, एकदम विश्वास रखो। विश्वास है नहीं हमारे ऊपर? हर आदमी 10 साल से ऊपर काम कर चुके हैं जी सर। 15 साल से दिक्कत ही नहीं है यार। 15 साल तो आपका अगले 2 महीने में सिपाही हो यार, ठीक है। अजय भाई इनको ही बोलना, कुछ नवीन भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं तो आप लोग का सब बातें समझ में आ गई? भरोसा है? विश्वास है? करते हो तो सब एक साथ बोलो, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। आप लोग के तकलीफों के बारे में तो मैं बात करूंगा, उसके बाद ही फिर वहां पे सुबह बताएंगे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत परेशान हो गए हो आप लोग, है ना। अब आप लोग को और परेशान नहीं देख सकता मैं, ना हम लोग कोई नहीं देख सकते, ठीक है। और फिर से एक बार बोलूंगा, यहाँ से जितने लोग गए थे रायपुर और जितने नहीं जा पाए किसी कारण से, उन सबको प्रणाम है एकदम। और सिर्फ और सिर्फ बीजापुर नहीं, मैं पूरे 7 जिले में घूमूंगा बस्तर के। उसके सहमति से जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं दंतेवाड़ा जिला जाऊंगा, और उसके बाद में फिर मैं सुकमा निकल जाऊंगा, वहीं से हमारे वहां भी भाई लोग हैं, वो लोग भी तकलीफ में हैं, है ना। सबके तकलीफों का अंत करना है, नहीं करना है? जितना संशय आपके मन में था, जितना आप लोग सोच रहे थे, उनके भी मन में तो होगा, तो उसको भी तो दूर भगाना है ना। तो मैं उम्मीद करूँ कि कल आप लोग वापस जाओगे, सुरक्षित पहुँचवाना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। आप लोग नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे? आवाज में दम नहीं है, 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 आवाज में दम नहीं है। इतना जोश हमेशा होना चाहिए, इससे डबल जोश होना चाहिए, और अगर नहीं होगा अपना मांग पूरा तो इससे 100 गुना ज्यादा जोश चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मान लो कि आपका मांग पूरा हो रहा है। सरकार किसी भी चीज के लिए कोई पैसा मांगता है, किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देना है, है ना, एक पैसा किसी को नहीं देना है। बहुत सारे लोग आएंगे, मैं करा दूंगा, ये करा दूंगा, आप लोगों के सामने अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास है, हम लोगों के ऊपर विश्वास है, तो 1 रुपए भी किसी को नहीं दोगे। भैया बताए ना, अगर आप लोगों का शोषण हो रहा है तो क्लियर, आप लोग फोटो लो, वीडियो लो, हमको हमारे पास भेजो, नामजद भेजो अब तो, कि मैं मेरा शोषण हुआ है, मेरे पास भेजो ना यार, कोई कार्रवाई करके दिखा दे आप लोग के ऊपर। अगर गलत हुआ कोई आपके ऊपर कार्रवाई करके दे। देखो अभी एक तो कार्डियो आया और बलौदा बाजार एसपी का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? अभी आप लोग को प्रत्यक्ष रिजल्ट और दिखाएंगे आप लोग को सुबह, है ना, आप लोग को काम करके दिखाएंगे मिर्तूर वालों।
है ना, आप लोग को तकलीफ से निजात दिलवाता हूँ। रुको आप लोग, सुबह आप लोगों का एक रिजल्ट यही दिखाएंगे, उसके बाद ही आप लोग को मिला करेंगे। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका मेरे बातों में, किसी कोई कमी से, और उन पुलिस अधिकारियों से जो आपराधिक किस्म के हैं, भारत सम्मान हो जाओ सावधान।